हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज जो हम काम करने वाले हैं, गाड़ी है स्कॉर्पियो, उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें ब्रेकिंग का इश्यू आ रहा है। जब हम ब्रेक को लगाते हैं तो गाड़ी थोड़ा दूर जाके रुकती है। तो चलिए देखते हैं आखिर गाड़ी में प्रॉब्लम किस वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। भी आप लोग देख सकते हो इसमें ऑयल लीकेज कर रहा है, सिलेंडर से ऑयल लीकेज कर रहा है। और लाइनर की कंडीशन देखते हैं तो लाइनर भी बीच में से क्रैक हो गया ये साइड से। तो अभी हम सिलेंडर और लाइनर इसके दोनों चेंज करेंगे। फिर हम दूसरी साइड का भी चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड की क्या कंडीशन। ये साइड का भी लाइनर क्रैक हो रखा है। अभी हम इसका सिलेंडर चेक करते हैं। देखो इधर ऑयल दिख रहा है आपको, ऑयल गिरा हुआ, तो इसका रबर निकाल कर चेक करेंगे। देख सकते हो ये साइड भी लीकेज है। तो अब अभी हम दोनों सिलेंडर चेंज करेंगे, दोनों सिलेंडर और अपना दोनों साइड का लाइनर भी चेंज करेंगे। वो तो सेट ही आता है, लाइनर का चेंज करना ही पड़ता है एक साइड का गया तो। पहले हम सिलेंडर खोल देंगे। आप लोग देख सकते हो ड्रम में काला पड़ा है, इसमें भी और दूसरे ड्रम में भी। तो अभी हम दोनों भी ड्रम को कटिंग करा लेंगे लेथ मशीन पे। हमारा लाइनर और ब्रेक सिलेंडर दोनों भी चीज़ आ चुकी है और इसके साथ हमारा ड्रम भी कटिंग हो चुके आ चुके हैं। देख सकते हो आप, इसमें कुछ भी काला नहीं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग पूरी डाउन कर लेनी है। सेटिंग डाउन करने के बाद हम इसको यहाँ सिंपली इसको यहाँ पे इसे लगा देंगे और ये साइड कटे कट की साइड ऊपर रखेंगे। ये लगने के बाद हम इसका सेटिंग का पट्टी जो है इसमें लॉक में लगा के इसको यहाँ पे रख देंगे। और हमारा जो दूसरा वाला लॉक ये इसको हम यहाँ इसको भी लगाना पड़ेगा, क्यों
क्योंकि हमारा जब हम ये फिटिंग करेंगे ये वाला स्प्रिंग तो नीचे से भागेगा। ये होने के बाद अब हमें ये दूसरा वाला स्प्रिंग लेना है, इसकी जो ये वाली बाजू है ये सेटिंग की साइड में आएगी, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। इधर लगाने के बाद सिंपल इसको स्क्रू ड्राइवर से अभी लाइनर फिटिंग कर लिए हैं। सबसे पहले लाइनर फिटिंग करना है, सिलेंडर बाद में फिटिंग करना है। सिलेंडर बाद में फिटिंग करने का फ़ायदा यह रहेगा हमारा, जो हमारा स्प्रिंग है ये आसानी से बैठ जाएगी, हमारे को फिटिंग करने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अभी सिलेंडर फिटिंग करते हैं। सिंपल इसको प्रेस करके यहाँ से इसके बाकी के सारे नट हम लगा लेंगे, सभी चारों नट, चार नट आते हैं, चारों नट हम सिलेंडर फिटिंग करने के बाद हमारा जो देखिए स्टेप है, हमें ड्रम फिटिंग करना है। हम इसका हैंड ब्रेक का सेटिंग नहीं चढ़ाएंगे, पहले हम ड्रम फिटिंग करके देखेंगे हमारे को सेटिंग की कितनी जरूरत है। जब देखो हमारा इजिली ड्रम इजिली जा रहा है तभी इसको सेटिंग करेंगे, सेटिंग चढ़ाएंगे। हमारा सिंपल इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेटिंग चढ़ाने का और शिफ्ट करना है। थोड़ा फ्रीज आ रहा है, अब हम इसकी सेटिंग और चढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हो इसमें अभी हमारा ड्रम नहीं जा रहा है, अभी हम इसकी सेटिंग थोड़ी डाउन कर लेंगे। अभी देखो हमारा ना तो ज्यादा ड्रम लूज जा रहा है ना ज्यादा टाइट जा रहा है, एकदम परफेक्ट हो गया है। हम घुमा कर चेक कर लेंगे फिर है कि नहीं, अभी देखा जाता है। इसी तरीके से अभी हम
दूसरी साइड की भी फिटिंग करेंगे। ये साइड का भी हमने लाइनर फिटिंग कर लिया है, अभी सिलेंडर भी डालेंगे इस साइड का भी। इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल है हमारे को। ऐसे करना है, ये साइड प्रेस कर, इसको पीछे से ऐसे प्रेस कर देंगे। चला गया अंदर, इसको मैच कर लेंगे यहाँ से। पाइप लगा लेंगे पहले, नट बोल्ट लगाने से पहले, क्या हमारा स्लिप नहीं होगा। पाइप पहले लगा लेंगे, हमारे को मूव करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद बाकी के चार नट लगा लेंगे। ये दूसरा है, दो लग चुके, ये तीसरा और ये चौथा। इसके बाद टाइट कर लेंगे। पहले हमारे सब मिला लेना है, उसके बाद फुल टाइट करना है। अभी टच हो चुका है सब थ्रेड पूरा, अब इसको फुल टाइट कर पहला। सब फिटिंग करने के बाद हमने इसका एयर भी निकाल लिया है, देख सकते हो आप ऑयल इस पर, ये साइड का भी, और हमने ये साइड का भी एयर निकाल लिया है।